Hello my YouTube family, my name is Mukesh and you're watching my YouTube channel. Subject verb agreement के regularly जो जितने भी rules हैं मैं आपको one by one पढ़ाते जा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निरंतर after the class they are solving the exercises, मैं आपके लिए एक दो exercise रोज drop करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप इसका answer comment box में दें। It's a good culture, if you can note down these all notes then it's also good for you guys. Before we start I must tell you Titanium की अपनी application पर spoken English और कई सारे free और paid दोनों courses available हैं, उसका link description box में दे रखा है। And if you're new to the channel then please subscribe, press all bell icon, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले videos की link दे रहा हूँ, उन्हें भी आप देखिए। अब हम शुरू करते हैं। आज मैंने दो रूल लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, रूल नंबर 30 एंड रूल नंबर 31। समझने का प्रयास करें क्या है। मोर देन वन के साथ किसी नाउन का प्रयोग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। अब ऐसे ऐसे एक एक करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो एग्जाम में एरर करने की संभावना करीब करीब खत्म हो जाती है, क्योंकि जो एग्जाम दे रहे हैं वो जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक कितना उनके लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो मोर देन वन के साथ वर्ब सिंगुलर आती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मोर देन वन वर्कर वॉज एबसेंट, ठीक है ना। मोर देन वन वर्कर वॉज एबसेंट आएगा, वर एबसेंट नहीं आएगा। कुछ लोग समझते हैं कि यार मोर देन आ रहा है, लेकिन आपको पहले बताया था एक यूनिटी को प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जो सिंगुलर का भाव देते हैं तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही आएगा। मोर देन वन स्टूडेंट वॉज स्किल्ड, है ना। तो मोर देन वन स्टूडेंट के बाद स्टूडेंट्स नहीं है, मोर देन वन स्टूडेंट है, ध्यान रखा। वो स्किल्ड वर्ब सिंगुलर आएगी, वर नहीं आएगा। ये इस वाले जो यूज है इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। लेकिन ये मोर देन था, इसके नीचे वाला जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो मोर का प्रयोग कुछ अलग रूप में है। यदि वो प्लूरल के रूप में है तो वहां पे वर्ब प्लूरल आएगी। कैसे, रूल नंबर 31 देखिए। कई वाक्यों में मोर का प्रयोग निम्न प्रकार होता है, ऐसे होता है मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेस्ड बाय हर, है ना। मोर बुक्स आया, इस बार मोर बुक नहीं है, राइट। तो मोर बुक्स देन वन, एक बुक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है फील आ रहा है वो प्लूरल का आ रहा है, तो यहां पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेस्ड बाय हर। नेक्स्ट, मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, तो यहां गर्ल्स आ रहा है, गर्ल नहीं आ रहा है, प्लूरल ही आएगा मोर के साथ में इसका यूज, और उसके बाद में वर्ब वापस प्लूरल आएगी, राइट। ये सेकेंड रूल है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। मोर देन वन अलग होता है, लेकिन मोर प्लूरल की यदि बात कर रहे हैं और फिर देन वन का लग रहा है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। आपके लिए एक एक्सरसाइज दूंगा लास्ट में। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव अटेंडेड क्लास, तो मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव अटेंडेड क्लास, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आ रहा है और वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, मोर वर्कमैन, यहाँ देखिएगा वर्कमैन है, MEN MAN नहीं आ रहा, प्लूरल आ रहा, ध्यान रखना, राइट। मोर वर्कमैन देन वन आर नॉट ट्रेसेबल, राइट। ये मोर का यूज है। अब इसके लिए तो इस तरह के वाक्यों में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, मैं पहले समझा चुका हूँ। अब आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में रखनी है। दो तीन स्टूडेंट्स तो रेगुलरली मैं देख पा रहा हूँ कि वो रेगुलरली उस काम को कर रहे हैं, और कुछ लोग बड़ा अच्छा होमवर्क कर रहे हैं। एक बिहार के हमारे कमलेश कुमार हैं जो एप्लीकेशन पर इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होमवर्क करके भेजते हैं कई बार मुझे व्हाट्सएप पे, तो उसको देखकर लगता है कि सच में या दीज गाइज कैन बी सक्सेसफुल। दिस एक्सरसाइज यू ऑल्सो डू लाइक कमलेश कुमार। मोर बॉयज देन वन डैश 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 प्लेइंग देयर, यहां क्या आएगा, वॉज वर में से फिलअप करना है। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, बना के कमेंट बॉक्स में रखिए। बाकी आपको कैसे लग रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यू कैन राइट योर फीडबैक एज वेल गाइस। इट्स इनफ, आई विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो हैविंग द नेक्स्ट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।